स्वागत है आपका लोतिका ब्लॉग्स फैक्ट्स इजी की बोलती कहानियों में। मैं लोतिका आज आपको सुनाती हूँ एक प्रेरणादायक कहानी, मोर की शिकायत। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई शिकायत रहती है, तो उन लोगों को खासकर ये कहानी पूरी ज़रूर सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं मोर की शिकायत। एक जंगल में एक मोर था जो बहुत सुंदर था। उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। एक दिन बहुत ही ज़ोरदार बारिश हुई और मोर नाचने और गाने लगा। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को देख रहा था, पर अचानक उसका ध्यान अपनी आवाज़ पर गया जो बहुत ही बेसुरी और कठोर थी। इस बात का आभास होते ही वह बहुत उदास हो गया और उसके आंसू निकल आए। तभी अचानक उसे एक कोयल की मधुर आवाज़ सुनाई दी। कोयल की मधुर आवाज़ को सुनकर मोर को अपनी कमी का और एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि भगवान ने उसे सुंदरता तो दी, पर बेसुरा क्यों बनाया। वह सोच ही रहा था तभी अचानक एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मोर से पूछा, मोर तुम उदास क्यों हो। मोर ने देवी से अपनी बेसुरी आवाज़ के बारे में शिकायत की और उनसे पूछा, कोयल की आवाज़ इतनी मीठी है पर मेरी क्यों नहीं, इसीलिए मैं दुखी हूँ। मोर की बात सुनकर देवी ने समझाया, प्रकृति के द्वारा सभी का हिस्सा निर्धारित है जो हर जीव को अपने तरीके से मिलता है और सभी में कुछ न कुछ खास होता है। प्रकृति ने उन्हें अलग अलग बनाया है, परंतु वे एक निश्चित काम के लिए बने हैं। प्रकृति ने मोर को सुंदरता दी, शेर को ताकत और कोयल को मीठी आवाज। हमें प्रकृति के दिए इन उपहारों का सम्मान करना चाहिए और जितना हमें उसने दिया उतने में ही खुश रहना चाहिए और उसका धन्यवाद भी करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि खुद को स्वीकार करना ही खुशी का पहला कदम है। जो कुछ हमारे पास नहीं है उसके लिए दुखी होने की बजाय हमारे पास जो है उसे स्वीकार करके खुश रहना चाहिए। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करते हुए जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।